आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर के मुख्य द्वार को विशेष शुभ बना सकते हैं। पंडित जी, घर के मुख्य द्वार पर कुछ लोग स्वास्तिक बनाते हैं या स्वास्तिक मेटल से बनवा करके या और चीज़ों से बनवा करके लगाते हैं, स्वास्तिक के स्टिकर लगाते हैं, आखिर इसका महत्व तो क्या है, इससे क्या लाभ है? अब एक चीज़ और घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाती है, उसे कहते हैं स्वस्तिक। क्या होता है स्वस्तिक? स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, शुभता। स्वस्ति का मतलब कल्याण है और क मतलब करने वाला। तो जो कल्याण करे, जो शुभ करे, वो होता है स्वस्तिक। चार भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है जिसे स्वस्तिक कहा जाता है। आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक का गलत प्रयोग आपको मुश्किल में डाल सकता है और स्वस्तिक का अगर आप सही प्रयोग करें तो आप जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। लाल रंग का स्वस्तिक, पीले रंग का स्वस्तिक और नीले रंग का स्वस्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। कैसे इसका प्रयोग करें मुख्य द्वार पर? घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिए, स्टिकर लाके लगा लें या पानी में सिंदूर घोल करके उंगली से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। दरवाजे के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगाना बढ़िया होगा और इसको लगाने से घर के वास्तु की समस्या, घर के दिशा की समस्या, दिशा का दोष निश्चित रूप से दूर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई तंत्र मंत्र है, आपके घर में भयंकर वास्तु दोष है, घर की एनर्जी का लेवल ठीक नहीं है, तो मुख्य द्वार के बीचों बीच ऊपर, मेन डोर के बीचों बीच ऊपर आप चाहें तो नीले रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं। इसको लगाने से नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह घर में प्रवेश नहीं करती, घर में तंत्र मंत्र की, निगेटिव एनर्जी की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।